मिथुन राशि वालों, 23 मई बृहस्पतिवार का दिन विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव से आज दिन आरंभ होगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश में शुक्र सूर्य बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है। द्वादश में बैठा बृहस्पति जीवन के समस्याओं का समाधान आपके लिए लेकर आएगा। वहीं भाग्य का स्वामी शनि आपके लिए सुख संपत्ति का योग बनाएगा। 9:15 के बाद अनुराधा नक्षत्र में शनि के प्रभाव से आप प्रभावित रहेंगे। लाभ स्थान में बैठा बुध आपकी कुंडली के कर्म स्थान में बैठा मंगल राहु, सुख स्थान का केतु और आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर बैठा शनि आपके जीवन को उत्साहित करने वाला परिणाम देगा। चंद्रमा का मंगल के साथ नवम पंचम योग, चंद्रमा का बृहस्पति के साथ सम सप्तक योग पराक्रम ऊर्जा को बढ़ाता है। मिथुन राशि वालों के जीवन में सफलता कामयाबी का शुभ फल प्राप्त होने वाला है। बड़ी उपलब्धि, तरक्की, बड़ी खुशखबरी और जीवन में सुख आपका बढ़ेगा। आज आप बड़े भाग्यशाली होंगे, आपकी प्रतिभा निखरेगी, जीवन सौभाग्यशाली होगा क्योंकि विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव 9:15 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। पूर्णिमा तिथि है, शिव योग में जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, ऊर्जा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज का दिन धन लक्ष्मी का आगमन होगा, वैभव ऐश्वर्य आपके जीवन में बढ़ेगा, प्रभावशाली जीवन भाग्य की बुलंदी पर पहुंचाएगा। किस्मत आप पर मेहरबान है, आप बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। राहु काल 2:01 से 3:44 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश न करें, दक्षिण दिशा की तरफ से दिन आरंभ न करें। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला, लोकप्रियता को बढ़ाने वाला, शुभ फल प्रदान करेगा क्योंकि अनुराधा नक्षत्र का शनि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर गोचर कर रहा है, जबकि बृहस्पति का त्रिग्रही राजयोग आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेकर आया है। मिथुन राशि वालों, आप बड़े किस्मत वाले हैं, अवश्य आपके भाग्य में तरक्की और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का मिथुन राशि फल। मिथुन राशि वालों, आज मेहनत से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज का दिन लाभकारी दिन है, सुख संपत्ति में व्यतीत होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। मजबूत इरादा लेकर आगे बढ़ें, बहुत जल्दी कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम की प्राप्ति और आज का दिन विशेष करके लाभकारी साबित होगा। ओम श्री हनुमन्ते नमः का जाप करें, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव, आज जीवन में खुशी, सफलता, भाग्य का साथ मिलेगा, अपने सपनों को साकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। आप मेहनत से काम करें, निश्चित ही आपके जीवन में लाभ और धन की प्राप्ति होगी। आज कामयाबी सफलता भरा दिन होगा, प्रेम जीवन सुखद होगा, पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, संतान की तरक्की और भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते विनय करे सन्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 23 मई बृहस्पतिवार का दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, सर्वा सिद्धि योग परिग योग में विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का प्रभाव 9:15 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शनि का प्रभाव शिव योग 12:12 के बाद, आज का दिन आपके लिए सौभाग्य का दिन है, तरक्की का दिन है, लाभ का दिन है क्योंकि विशाखा नक्षत्र में बृहस्पति का प्रभाव, अनुराधा नक्षत्र में शनि का प्रभाव आपकी स्थिति को बदलता है। आज का दिन भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में उत्साह उमंग बढ़ेगा। आज अपने आलस का त्याग करें,
जीवन में तरक्की उन्नति सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि आज बृहस्पति सूर्य और शुक्र त्रिग्रही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं मंगल के साथ राहु का गोचर है। चंद्रमा मंगल नवम पंचम योग बना रहा है, तो चंद्रमा बृहस्पति का समसप्तक योग है। लाभ देने वाला प्रभावशाली आज का दिन आपके लिए काफी शुभ साबित होगा। घर परिवार में आनंद का वातावरण होगा। आज लाभ के अवसर मिलेंगे, सुखद जीवन होगा। नई नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बेहतर परिणाम, भाग्य की बुलंदी और जीवन में लाभ, तरक्की, सुख सौभाग्य, खुशियों का आगमन, क्योंकि आज ये विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र का शनि अपने प्रभाव से आपको प्रभावित कर रहा है। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता बुध के प्रभाव से नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा। आज शनि के प्रभाव से मेहनत का फल मिलेगा। अष्ट लक्ष्मी की कृपा बनेगी। बृहस्पति का सूर्य के साथ गोचर करना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। उमंग भी होगा, उत्साह भी होगा, इच्छा भी आपकी पूरी होगी, ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। शनि इस समय बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित होकर पूर्वाभाद पर नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अनुराधा नक्षत्र का शनि जब बृहस्पति से प्रभावित होता है तो जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है। अमृतकाल रात्रि 11:22 अपने जीवन में सुख पाएंगे। बेहतर परिणाम, काम की प्रशंसा विजय मुहूर्त में 2:35 के बाद देखने को मिलेगा। संपत्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज का दिन आपके लिए बेहतर दिन है। व्यापार नौकरी अच्छा चलेगा। कर्म की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और पराक्रम के साथ धन का आगमन भी आपके जीवन में होगा। संपत्ति, कारोबार, लाभ और सुख आपके जीवन में बढ़ेगा। केतु के प्रभाव से आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। सुख धन आपके जीवन में लाभ लेकर आएगा। दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा। आज अपने वाणी से दूसरों का मन आप मोहेंगे। सुख और खुशहाली जीवन में बढ़ेगा। जीवन की परेशानियों से राहत प्राप्त होगी। दिन आपके लिए उत्साहजनक परिणाम लेकर आएगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज का दिन बेहतर परिणाम की प्राप्ति और भाग्य के साथ आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि, तरक्की का सुख देगा। आज दक्षिण दिशा की तरफ से दिन आरंभ ना करें। अपने जीवन में सफलता, सुख, भाग्य, धन के लिए पूर्व दिशा की तरफ से दिन आरंभ करें। राहु काल 2:01-3:44 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, आपके सपने साकार होंगे। कष्ट बाधा जीवन का दूर होगा। तरक्की उन्नति आपके जीवन में होगी। सौभाग्य का सुख